नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है 6x² + 5x - 6। तो सबसे जो पहला स्टेप हम इन क्वेश्चनों में करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ वाले गुणांक को बिना एक्स वाले गुणांक के साथ गुना करते हैं। तो हमारे पास आ गया 6 × -6। तो 6 छिके होता है, छिकम छिकम होता है 36, और साथ में प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये माइनस का बहुत महत्व है, ये आपको अभी बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, इस 36 के सारे फैक्टर लिखने हैं जिनके पहाड़े में 36 आता हो। तो देखो, 1 के पहाड़े में आता है 1 × 36 = 36, 2 के पहाड़े में आता है 2 × 18 = 36, 3 के पहाड़े में आता है 3 × 12 = 36, अभी माइनस प्लस की बात नहीं हो रही। 4 के पहाड़े में आता है 4 × 9 = 36, और उसके बाद 6 के पहाड़े में भी आता है छिकम छिकम 36। अब हमें क्या करना है, हमें इतने सारे जोड़ों में से देखना है किनको प्लस या माइनस करके बीच वाली रकम 5 बनती है। देखो, 36 में 1 प्लस करेंगे तो 37, 1 माइनस करेंगे तो 35, ये तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद 18 में 2 प्लस किया 20, 18 में से 2 माइनस किया 16, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 5। 12 में 3 प्लस किया 15, 12 में से 3 माइनस किया 9, ये भी हमें नहीं चाहिए। 9 में 4 प्लस किया 13, 9 में से 4 माइनस किया 5, ये हो सकता है हमें चाहिए हो। 6 में 6 प्लस किया 12, 6 में से 6 माइनस किया 0, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो एक ही है, एक ही ग्रुप है, एक ही जोड़ा है जो हमें चाहिए, 9 और 4, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करके 5 आएगा, ठीक है। तो अब हमें जो सबसे पहला स्टेप है, हमने जोड़ा सिलेक्ट कर लिया, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और इसमें हमें करना क्या है बच्चों, करना ये है कि पहली रकम को ऐसे ही लिखना है 6x², आखिरी रकम को भी ऐसे ही लिखना -6, ठीक है। बीच में क्या करना है, हमें जो जोड़ा हमने सिलेक्ट किया 4 और 9, ये हमने x लगा के बीच में लिख देना है, 4x और 9x, अभी हमने इनके साथ निशान नहीं लगाए। अगला रूल ये कहता है कि अगर यहां जो आपने शुरू में गुना किया था यहां माइनस है तो इन दोनों के साइन उल्टे आएंगे, यदि प्लस होता तो दोनों के साइन सेम होते, लेकिन यदि ये माइनस है तो इन दोनों के निशान उल्टे आएंगे। उल्टे का मतलब यह है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। अब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा ये हमें पता चलेगा इसके निशान से। यदि यहां पर प्लस का निशान है तो यह बड़ी रकम के साथ लगा दो, 4 बड़ा या 9, 9 बड़ा, तो ये वाले निशान बड़े वाले रकम को दे दो +9, और छोटे वाले के साथ इसका उल्टा निशान, ये प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, ये समझे। इन दोनों के साथ उल्टा निशान लगना था क्योंकि यहां माइनस आया, तो यहां जो निशान था वो बड़ी रकम के साथ लगा दिया, तो उससे उल्टा दूसरे के साथ लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये पहली दो रकमों का एक जोड़ा बन जाएगा और दूसरी दो रकमों का एक जोड़ा बन जाएगा। हम इसमें से देखेंगे ये 6 है ये 4 है, दोनों किसके पहाड़े में जाएंगे, 2 के पहाड़े में। यहां 2x है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन आ सकता है। तो 6 को 2 से भाग किया 3, एक्स स्क्वेयर को एक्स से भाग किया तो 1x कट जाएगा, 1 बच जाएगा, वो अंदर लिख दिया माइनस। 4 को 2 से भाग किया 2, एक्स को एक्स से भाग किया खत्म, एक्स बाहर कॉमन जा चुके हैं, तो ये बच गया 3x - 2। आगे हम देखेंगे, ये है 9x, ये है 6, इनको अब ध्यान से देखें तो ये 9 और 6 किसके पहाड़े में जाएंगे, 3 के पहाड़े में जाएंगे, तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम, यहां x है यहां नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं लेना। 9 को 3 से भाग किया तो आया 3, x बाहर नहीं गया था x बचा था, तो 3x, माइनस का निशान है तो माइनस। 6 को 3 से भाग कर दिया 2, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे यहां भी 3x - 2 बच गया और यहां भी 3x - 2 बच गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे। अब फिर से आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, 3x - 2 पहली दूसरी रकम मैंने छुपा दी, ठीक है, 3x - 2 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, 2x, बाकी क्या बच गया, 2x बच गया। दूसरी रकम में से 3x - 2 तो बाहर चला गया था, बाकी क्या बच गया था, +3, बाकी क्या बच गया, +3 बच गया। तो ये जो है यही इस बहुपद का गुणनखंड है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ आया ये कॉन्सेप्ट
तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है और आगे मेहनत करने का भी हौसला मिलता है। धन्यवाद।